और अब भाग्यश्री गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से बना रही है रजत के लिए। कैसा बना है रजत? मजा आ गया। बहुत बढ़िया। इसीलिए कहा मैंने आजा यहाँ और गर्मा गर्म खा। नहीं नहीं नहीं, अरे वो रहने दे, ये गर्मा गर्म भाकरी खा। अरे मैं क्या कर रही हो? ओ जलेबी दो। इतनी जिद करके मुझे ऑफिस से यहाँ पर बुलाया, इतना बढ़िया खाना खा रहा हूँ, क्या चाहिए आपको? बैठो बैठो बैठो, बोलो क्या चाहिए? क्या दिन आए हैं लालो, देखो एक माँ अपने बेटे को उसके पसंद का खाना तक नहीं खिला सकती, बेटा शक करने लगता है। वेरी बैड। अच्छा मैं क्या कहती हूँ? नहीं बोलने तो दे। मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूँ नहीं। और अब भाग्यश्री अपने बेटे को देखती है, उसे आखिर कैसे पता चला? क्या है कि जब भी मेरी माँ इतना सब कुछ करके मुझसे कुछ बात करने की कोशिश करती है तो उसका एंड सिर्फ एक ही होता है, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना? नहीं मुझे तो नहीं पता। मुझे पता है, मेरी शादी। लड़की देखी होगी आपने, शादी की बात चला दी होगी ना? जलेबी देख रहे हो आप? आपकी बातें जब जलेबी की तरह घूमने लगती है ना, उसका एक ही मतलब होता है, कहां की बात को कहां लेकर आ जाती हो किसी को पता नहीं लगता, सिर्फ मेरे अलावा, क्योंकि हूं तो आपका ही बेटा है ना, तो शादी के लिए एकदम मना है। और अब भाग्यश्री आखिर क्या बोले अपने बेटे से, उसे खुद ब खुद पता चल गया। अब क्या करे वो, लेकर तो जाना है लड़की से मिलवाने। ये मैंने खा ली अपनी लास्ट बाइट, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। रजत हाँ तो खा लेना बेटा, ऐसे खाने पे नहीं गुस्सा निकालते ना। मैंने आपसे साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आपने कहा कि सही को माँ की जरूरत है और वो ममता, उसने अपनी इतनी ममता दिखाई कि सही हमसे दूर हो गई। नहीं करनी मुझे शादी, ना सही को किसी की जरूरत है ना मुझे किसी की जरूरत है। मैंने तब भी कहा था, आज फिर से आपसे कह रहा हूं कि मुझे नहीं करनी कोई शादी। आप प्लीज मेरे लिए रिश्ते ढूंढना बंद कीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे मैं। और भाग्यश्री का मुंह तो सिल सा जाता है, पर है तो रजत की माँ, ऐसे कैसे जाने देगी बात को। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और आप रिश्ता मैं नहीं तुम्हारे पापा लाए हैं रजत। और ये सुनकर रजत अपने कदमों में ही रुक जाता है। पापा, उनसे तो बातचीत तक नहीं होती उसकी। और जहाँ रजत एकदम से रुक जाता है, वहीं अब भाग्यश्री जाती है उसे संभालने। पापा। जानती हूँ तुम दोनों में बनती नहीं है, 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद तुम दोनों ने एक दूसरे से सीधी तरह से बात भी नहीं की, तुम दोनों के बीच में दरार सी आ गई है। और एक बार के लिए रजत 6 साल पहले वाली हादसे को याद करता है। देखो मैंने तुमसे कहा था श्री की तबीयत ठीक नहीं है, इसका ख्याल रखना, डॉक्टर के पास ले जाना इसे। ना तो तुम इसे डॉक्टर के पास ले गई और तुम इसे अकेला छोड़कर चली गई। अरे तुम्हें पता है ना अस्थमा की पेशेंट है ये, कॉल भी कर रही थी, ना तो तुमने कॉल उठाया और ना टाइम पे घर आई। मैं पूछ सकता हूँ ऐसा कहाँ गई थी तुम जो तुमने कॉल तक नहीं उठाया इसका? रजत के पापा मिट्टी को शांत रहिए। अरे तुम चुप रहो श्री, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? भगवान ना करे इसकी जान चली जाती तो। पर गई तो नहीं ना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे, कुछ हुआ नहीं है उनको, वो ठीक है। और अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर राजू चौंक जाता है। और मैं जरूरी काम से गई थी, बिजी नहीं बहुत बिजी थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। ये था तुम्हारा जरूरी काम, ये शॉपिंग? पापा प्लीज आप ऐसी ऊंची आवाज से मुझसे बात नहीं कर सकते,
मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। गुलाम? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे कभी हमने तुमसे गुलामों जैसा कोई बर्ताव किया? अरे रिद्धि तारा और तुमने कभी कोई फर्क किया? समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? क्या हो गया, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? सब ठीक है? पर अब आशका कहां छोड़ने वाली इस मौके को रजत को अपने ही बाप के खिलाफ करने में। रजत, पूछो इनसे, चलाए जा रहे हैं मुझ पर। एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से ये, तेरे में मानती हूँ कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तुम्हारा ही तो काम कर रही थी इस हालत में, तुम्हारे बॉस के लिए शॉपिंग करने गई थी, और ये मुझ पे ही चिल्ला रहे हैं कि मैं शॉपिंग करने गई थी। क्या हो गया पापा, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको पता है ना वो किस हालत में, फिर भी आप उस पे चिल्ला रहे हैं क्या? और अब राजू अपने बेटे के सामने आता है, इतना कैसे बदल सकता है वो? पहले पूरी बात तो जान ले, बीवी ने दो आंसू क्या बहा दिए, तूने उसी को सच्चा मान लिया? अगर मैं भी अपनी बात रो रो के बोलूं तो तू मान जाएगा? तुम लोगों ने कोई अनोखी शादी नहीं की है, शादी हमने भी की है, सालों से निभा रहे हैं। हालत देख रहा है अपनी मम्मी की? अरे मैं थोड़ी देर के लिए अकेला बाहर क्या चला गया, या अकेला छोड़कर चली गई इसे? अस्थमा का दौरा पड़ा था तेरी माँ को, और इसने फोन तक भी नहीं उठाया, और इसके लिए तेरी माँ से ज्यादा जरूरी शॉपिंग करना था। मम्मी की तबीयत, मम्मी ठीक हो आप? क्या हुआ आपकी तबीयत को? हाँ मैं ठीक हूँ। देखा तुमने रजत, अब मम्मी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कौन सा टाइम पास करने गई थी? मैं भी तो तुम्हारे लिए काम कर रही थी ना, आज सर के लिए शॉपिंग कर रही थी। और अब ये सुनकर राजू और भी भड़क जाता है। अर्श के लिए शॉपिंग? ये सब करती हूँ तभी तो तुम्हें जाके प्रमोशन मिलता है, लेकिन नहीं, मुझे शाबाशी देने के बजाय ये लोग मुझे ही ब्लेम किए जा रहे। और ये सुनकर कि बेटे को प्रमोशन इसी वजह से मिलती है, राजू शॉक्ड हो जाता है। पर रजत, क्या पापा आपने भी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कुछ सुना दिया? मम्मी ठीक तो हैं? अगर आपको लग रहा था कि मम्मी की तबीयत खराब है, वो बीमार है, तो आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जा सकते थे ना। आप आशका पे चिल्ला रहे हैं, वो प्रेग्नेंट है, किस हालत में आप? अरे बता दिया तुझे, तू क्या बोले जा रहा है? अपनी बीवी के आंसुओं के सामने अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिख रही तुझे? और आज राजू बेचैन है रजत और आशका की बातें सुनकर। रजत के पापा बस पे कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, आशका की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत कहिए। अरे क्या कुछ नहीं कहूँ, इसकी बीवी को अगर इसके बॉस के लिए शॉपिंग करने जा रहा था तो मेरे वापस आने तक रोक सकती थी ना, फिर चली जाती, लेकिन नहीं। और तू ऑफिस में कोई काम धाम करता है या अपनी बीवी की वजह से तरक्की कर रहा है? और अगर ऐसा है ना बेटा, तो फिर नौकरी में चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन असल जिंदगी में फेल है तू। और आज रजत सुनता है अपने बाप की डांट, क्योंकि वो सही मायने में सच बोल रहे हैं। भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरी बीवी, और भाड़ में जाए तेरी कमाई। अब से पहले मैंने तेरी माँ को अपने बनाए हुए घर में रखा था, आगे भी रख लूंगा, नहीं है जरूरत मुझे तेरी और तेरी बीवी की। आज तूने अपनी बात से, अपनी हरकत से इस बाप का दिल तोड़ा है, तो इस बाप का फैसला भी सुन ले। और रजत सर झुकाकर सारी बातें सुनता है, कोई जवाब नहीं उसके पास। आज से तू अपनी पत्नी का पति बन के रहेगा, इस बाप का बेटा नहीं, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। रजत के पापा ये क्या कह रहे हैं, बस भी कीजिए रजत। अगर इतनी छोटी सी बात के लिए आपको लगता है कि मैं सिर्फ आशका का पति हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ, तो ठीक है, लगने दीजिए आप। और यहीं पर अब रजत की आंखें भी नम होती है। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं मम्मी, मैंने उस फरीबी औरत पर, उस पर विश्वास किया, पापा की बात नहीं सुनी। बहुत बार कोशिश की मैंने कि मैं पापा से सॉरी बोलूं, उनसे जाकर बोलूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आपने सही समझाया था, नहीं हिम्मत कर पाया। और अब भाग्यश्री संभालती है अपने बेटे को। रजत पापा है तेरे वो, लेकिन सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बच्चे कितनी भी गलती करे ना, बाबा हमेशा उन्हें माफ कर देते हैं।
देख इतने सालों में उन्होंने पहल की है ना, तो बस उसमें हामी भर दे। सांभर ने वो क्या चाहते हैं कि तू उस लड़की से मिले, एक बार मिल ले। उन्हें विश्वास है कि वो लड़की तेरे लिए बहुत अच्छी है, बस उनके लिए उस लड़की से उसके परिवार से मिल ले। अपने पापा के लिए इतना तो कर सकता है ना तू। पर अब रजत आखिर क्या जवाब देगा? उनसे माफी मांगने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं मम्मी। मैं जानता हूं कि वो जो भी फैसला लेंगे मेरे लिए वो अच्छा ही होगा, लेकिन ये नहीं कि मुझे खो ही नहीं पाए, बस अब हिम्मत नहीं है। और अब एक टूटे हुए इंसान के सामने आखिर भाग्यश्री क्या कहेगी? सही के लिए भी नहीं। इसके खातिर भी नहीं कर सकता तू। पर रजत के मुंह से अब भी कुछ नहीं निकलता, कैसे कर ले वो शादी? तो आखिर क्या अब भी रजत अपने पापा के लिए ये काम नहीं करेगा? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या राजू सफल होंगे रजत को उस लड़की से मिलवाने शादी के लिए। देखते रहिए यहीं पर।